नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस होती है, जैसे मैंने यहाँ आपको सिंबल भी दिख जाएंगे, फ़ोटो भी दिख जाएंगी, कुछ रेजिस्टेंस मैंने रख भी दिए। तो वैसे तो रेजिस्टेंस कई प्रकार की होती है, तो हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में। तो पहले हम समझेंगे रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टेंस करंट प्रतिरोधक कंपोनेंट है। रजिस्टर्स जो होती है ये वोल्टेज को ड्रॉप करती है और उसमें जाने वाले करंट की जो क्षमता है उसको कम कर देती है, जिससे कि जितनी ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस लगेगी उतनी ही कम वोल्टेज जा पाएंगे, और जितनी कम वैल्यू की लगेगी उतना ही हमारा करंट ज़्यादा गुजरेगा। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक है रेजिस्टेंस का काम क्या है और कैसे कार्य करती है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। यह है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रतिरोधक का काम करता है। करंट के बहाव को रोकने के लिए और कम करने के लिए किया जाता है, इसको ही रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस दो प्रकार की में बांटा गया है, एक है फिक्स रेजिस्टेंस, एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जितनी रेजिस्टेंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, कि एक तो उसमें फिक्स रेजिस्टेंस होती है, जैसे आप देख सकते हो ये वाली रेजिस्टेंस है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ये वायर वाउंड रेजिस्टेंस है, और ये भी आपकी वायर वाउंड रेजिस्टेंस है। और एक होती है वेरिएबल, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जैसे हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होता है तो ये डिवाइस होती है, तो इसके अंदर भी आपकी जैसे ये 4k7 रेजिस्टेंस है, मगर इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल होती है। तो हम अब बात करेंगे, यह प्रतिरोधक कार्बन ग्रेनफाइट धातु पार्टिकल से बनकर बनाई जाती है। जैसे इसमें लिखा है कि किस पदार्थ से बना होता है, तो यह प्रतिरोधक कार्बन ग्रेनफाइट धातु के पार्टिकल से मिलाकर बनाई जाती है। अगला टॉपिक है रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम इन रजिस्टेंस जो हमने बनाई थी इसकी फिक्स और वेरिएबल रजिस्टेंस, तो इसको समझ लेते हैं। तो फिक्स रजिस्टेंस जो है, यह वाली जो रजिस्टेंस है फिक्स रजिस्टेंस, यह रजिस्टेंस जिस भी सर्किट में लगी होती है वहाँ पर जो भी करंट पास होगा वो रजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से करंट के बहाव को तय करता है। इसके करंट और रजिस्टेंस को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। कुछ रजिस्टेंस 5% से लेके 5% माइनस प्लस हो सकती हैं। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस हैं, जैसे आपको मैं दिखाऊं ये वाली कार्बन रेजिस्टेंस या वायर बैंड रेजिस्टेंस, तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है इनकी, जो इसमें वैल्यू दे दी है उसी हिसाब से इसके अंदर से करंट गुजरेगा, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। यह वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो हम इसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो इसकी रेजिस्टेंस दी है 4.7 के, तो हम वहाँ तक इस रेजिस्टेंस को ले जा सकते हैं। यह वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यह रेजिस्टेंस जिस सर्किट पर लगी होती है उसके करंट को कम या ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जाएगा तो करंट बहने वाला फ्लो भी कम या ज़्यादा होता है, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल, प्रीसेट इत्यादि के प्रकार के उपकरण हैं। अब इनको जो विभिन्न प्रकार के, अधिकांश 5 प्रकार में आती हैं रेजिस्टेंस, तो एक है पहली कार्बन रेजिस्टेंस, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस, एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और एक वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और एक मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। तो अभी बताता हूँ मैं कौन सी कार्बन है। तो ज़्यादातर अधिकांश जो हमारी पीसीबी में उपयोग होती है, हमारी एसी पीसीबी की या हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें, तो ज़्यादातर हमारी ये 3 प्रकार की रेजिस्टेंस ही यूज होती हैं। जो कार्बन रेजिस्टेंस है ये यूज होती है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस भी यूज होती है, और आपकी फिल्म मेटल रेजिस्टेंस भी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन रेजिस्टेंस कौन सी होती है। कार्बन रेजिस्टेंस ये वाली है, इसके अंदर कलर कोड से इसकी वैल्यू निकलती है, तो अभी हम इसको वैल्यू भी देख लेंगे इसकी, प्लस इसकी हम टेस्टिंग भी सीखेंगे। प्लस ये जो होती है वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है, तो ये क्या करती है, ये सेम काम होती है, लेकिन ये ज़्यादा जहाँ करंट गुजारा जाता है तो वहाँ ज़्यादा वाट में ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है। जैसे ये 10 वाट की रेजिस्टेंस है, और ये वाली भी 10 वाट की रेजिस्टेंस है। एक ये जो मैंने बताया था, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसी कई प्रकार की रेजिस्टेंसें होती हैं। तो अब हम इनकी टेस्टिंग भी समझेंगे। तो मैंने बताया एक कार्बन रेजिस्टेंस होती है जो मेरे पास यहाँ पे है, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस है जो ये वाली है, एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है नहीं मेरे पास, तो इनका हमारी पीसीबी में काम भी बहुत कम होता है, इसलिए हमने वो रखी नहीं है। तो ये इस तरीके से काम करती है, और हम इस रेजिस्टेंस के बारे में जो आगे पढ़ेंगे, तो हम अब कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये एक फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस प्रतिरोधक कार्बन
ग्रेफाइट धातु के पार्टिकल मिलाकर बनाई जाती है। यह 0 ओम से लेकर मेगा ओम तक की वैल्यू की होती हैं। इसके ऊपर कलर कोड दिए गए होते हैं, इन्हीं कलर कोड की मदद से आप वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जो भी कलर कोड होगा तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इसके कलर कोड को देखेंगे तो ये हमारी ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही हम कलर कोड जो हम इसको समझेंगे कलर कोड को, तो सही तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस है, ये एक फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ये एक चालक वस्तु पर रेजिस्टेंस वायर की लपेट कर उसकी मैग्नेजिंग तथा टंगस्टन जैसी मिश्र धातु के उपयोग कर बनाई जाती है। इसकी वैल्यू इस प्रकार लिखी होती है, जैसे आप देख सकते हो ये इस प्रकार की वैल्यू लिखी हुई है, 10K है और 10 वाट। तो ये रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई आती है, इनकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इस पे लिख के देती है। जैसे आप ये देख सकते हो तो ये 10 वाट की 39 ओम की रेजिस्टेंस है। तो अगली जो रेजिस्टेंस है ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट लैम्प को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ जैसे कई प्रकार के उपकरणों। अब हम बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट लैम्प को ऑटोमेटिकली ऑफ करने जैसे कई प्रकार के उपकरणों में लगाई जाती है। इसकी प्रतिरोधक रेजिस्टेंस प्रकाश पर निर्भर करती है। जब भी इस पर रेजिस्टेंस पर प्रकाश पड़ता है तो यह ऑफ हो जाती है और अंधेरा होने पर यह रेजिस्टेंस सर्किट को ऑन कर देती है। इसका उपयोग आजकल कई प्रकार के उपकरणों में किया जाता है। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये आपकी लाइट जो हमारी स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए लगाई जाती है। एक है ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होती है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस ये वाली होती है, तो इसको हम VDR भी बोलते हैं। तो ये VDR होता है, तो जब आगे वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेती है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत 0 ओम तक चली जाती है और सर्किट हमारा शॉर्ट हो जाता है। तो इसी को ही हम वोल्ट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसी को ही VDR बोला जाता है। तो अगली जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। यह रेजिस्टेंस भी कार्बन रेजिस्टेंस की तरह ही होती है, मगर इसके ऊपर की जो परत चढ़ी हुई होती है इसकी गुणवत्ता क्वालिटी कार्बन रेजिस्टेंस से ज़्यादा टिकाऊ होती है। तो जैसे मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है आप ये देख सकते हो, ये फिल्म मेटल रेजिस्टेंस ही है। इसकी जो मेटल ऊपर का होता है ये अच्छी क्वालिटी की होती है और रेजिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। इसी को ही मेटल फिल्म रेजिस्टेंस बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस पावर सप्लाई की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, जैसे कि VDR MOV सर्किट को ऑन होने नुकसान से बचाता है। जिस रेजिस्टेंस की मैंने बात करी है ये VDR रेजिस्टेंस होती है ये वाली, और ये फिल्म रेजिस्टेंस जो होती है ये वाली होती है, और आपकी वायर वाउंड रेजिस्टेंस ये वाली होती है, और कार्बन रेजिस्टेंस ये वाली होती है। ये वाली अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता, अगली वीडियो में इसकी बात भी करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हो तो ये रेजिस्टेंसें होती हैं इसके अंदर। अब हम इनको टेस्टिंग करने का प्रोसीजर पे जाते हैं और समझते हैं कि किस तरह चेक होती हैं। तो दोस्तों आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, सबसे पहले मैंने ये मीटर को बजर मोड्स पहले लगा हुआ था, अब ये मैंने रेजिस्टेंस पे लगा दिया। तो जैसे आप देख सकते हो ये मेगा ओम है, तो थोड़ा कम रोशनी आ रही होगी आपके पास, तो मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ। तो जैसे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस पे लगा दिया है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे कार्बन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो इस वाले मीटर में आप देख सकते हो ये 19 ओम दिखा रहा है, ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल सही बता रहा है। तो ये वाला मीटर आप ले सकते हो, ये बहुत अच्छा मीटर है। एक रेजिस्टेंस और है और हम इसको कार्बन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू 98 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। वैसे 100 ओम की रेजिस्टेंस है ये, तो ये भी तकरीबन वैल्यू सही बता रहा है। अब हम देखेंगे ये हमारी जो कार्बन वायर बाउंड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू। तो जैसे आप देख सकते हो इसकी 8.67 किलो ओम आ रही है, यानी कि ये जो वैल्यू दिखा रहा है 9.5 किलो ओम की दिखा रहा है, और ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 10K है, तो ये रेजिस्टेंस भी सही बता रहा है। अब हम इसको देखेंगे VDR रेजिस्टेंस जो है, तो ये शो नहीं करेगी, कोई थोड़ी सी शो करेगी रेजिस्टेंस और चली जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करेगी और फिर चली जाएगी। यदि हम बजर बोर्ड पे से सेलेक्ट करते हैं तो इधर ये बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं बताएगी,
तो हमने बजर मोड पर लगा दिया, आप देख सकते हो इस पर कोई भी रेजिस्टेंस ये नहीं बताएगी, क्योंकि ये वोल्टेज के हिसाब से काम करती है, इसलिए इसमें बजर नहीं बोलेगा ना कोई रीडिंग आएगी। लेकिन जब हम इसको रीडिंग मोड पर लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ये शो करेगा। तो ये जैसे शो कर रहा है 1 किलो ओम में जा रही है और फिर वापसी हो रही है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओके है। अब हम दूसरी भी देख लेते हैं, आप देख सकते हो इसकी भी सेम ही है, आ जा रही है और आ रही है, तो ये भी ठीक है। और ये वाली है हमारी वायर वाउंड, तो हम इसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सेट करेंगे दोनों क्रोपों को और फिर इसमें हम एडजस्टेबल वाला बटन घुमाएंगे। तो देखिए आप वैल्यू बढ़ रही है, और जो वैल्यू है इसकी 60 तक पहुंच जाती है, और कम करने पर ये कम की तरफ जाएगी, 35, 24, 19, 17, 12 आपकी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो ये 20 ओम तक चली गई है, और मैक्सिमम जो जाती है तो ये 1 किलो ओम तक चली जाती है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरह रेजिस्टेंस चेक करी जाती है, और हम इसकी शॉर्ट रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। एक मेरे पास ये वायर वाउंड रेजिस्टेंस है और ये शॉर्ट है, तो हम इसको बजर मोड पर भी चेक कर सकते हैं। तो पूरी तरह बीप की साउंड आ रही है, तो समझ लो ये शॉर्ट है, क्योंकि ओके जो रेजिस्टेंस होती है उसमें बिप नहीं आती, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो करता है। जैसे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस आ रही है, ओके रेजिस्टेंस है, और ये आपकी शॉर्ट रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही हम एक ख़राब ये रेजिस्टेंस भी लेते देखते हो आप, ये फूकी हुई है, ये जली हुई रेजिस्टेंस है। तो इस पर हम जो चेक करेंगे तो इस पर भी बजर मोड पर बजर साउंड आएगा। आप किधर भी इसको लगा लो तब भी आपकी बजर मोड पर साउंड आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गई और जल गई है। और फिर हम इसको हम देखते हैं, हमारे पास एक VDR है जो हमारे पास ये शॉर्ट हो गया है, और इसको हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो इस पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये भी आपका शॉर्ट है। हम चेंज करके क्रॉप लगाते हैं तब भी ये शॉर्ट बताएगा। तो दोस्तों आज हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और रेजिस्टेंस कैसे काम करती हैं ये भी पढ़ा, और ये इसकी टेस्टिंग कैसी है। तो दोस्तों आप लोग भी रेजिस्टेंस इस प्रकार चेक कर सकते हैं, आप एनालॉग आप इस मीटर से भी चेक कर सकते हैं, और ये एनालॉग मीटर भी मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब अगली वीडियो में और किसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।